नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कल AIBE का रिजल्ट आया हुआ है तो बहुत से लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं वो इरर बता रहा है, इस विषय में बताऊंगा। और जो लोग रिजल्ट में फेल हो गए हैं, नंबर ज़्यादा करके आए हैं, मतलब कुछ लोग कमेंट किए हैं कि 45 नंबर करके आए हैं हम फेल हैं, 50 नंबर करके आए हम फेल हैं, उन लोगों के विषय में बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग फेल हो चुके हैं उनको क्या करना है, तो आप लोग गौर से पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तीन स्टेप में मैं तीन लोगों के लिए ये चीज़ बताऊँगा, जो लोग फेल हो चुके हैं, जो लोग ज़्यादा नंबर करके आए हैं फेल हैं, और आप वेबसाइट में जा करके डाउनलोड कर रहे हैं रिजल्ट को वो लोड नहीं हो रहा है इधर आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों गौर से सुनिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जो लोग वीडियो देख करके लोग कल बताए हैं कि रिजल्ट आ गया है और वो जा करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के वेबसाइट पर जा करके अपना लोड कर रहे हैं रिजल्ट और वो इरर आ रहा है, तो उस विषय में जान लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग लोड कर रहे हैं इरर आ रहा है तो इरर क्यों आ रहा है, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। इरर दोस्तों इसलिए आ रहा है कि उसमें आप लोग देख रहे हैं तो जितने लोग हैं बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए उसका सर्वर डाउन चल रहा है, तो वो इरर इसलिए बता रहा है। वो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, आज शाम तक सब लोगों का आ जाएगा और दिखाई देने लगेगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया स्टेप वन, अब चलते स्टेप टू की ओर। जो लोग कह रहे हैं कि 45 नंबर करके आए हैं, हमारा 45 नंबर आंसर की में मिलाए हुए हैं सही है और हम फेल हैं, उनके लिए क्या करना होगा जैसे, तो दोस्तों उनके लिए ये कार्य है कि जैसे आप लोग इंटर BA में कभी इस कोई पेपर आप करके आए गड़बड़ हो गया था तो स्क्रूटनिंग फार्म भरे हुए थे, उसी प्रकार इसमें कभी एक स्क्रूटनिंग फार्म आता है, आप लोग उस फार्म को भर करके उसको जा करके अप्लाई करेंगे, आपकी कॉपी की फिर से जांच की जाएगी। अगर आपका सही है, कोई किसी त्रुटिकरण से आपका वो रुक गया है तो आप लोग उसमें पास हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों दो स्टेप। सबसे मेन पॉइंट तीसरा स्टेप है जो लोग फेल हो गए हैं। दोस्तों जो लोग फेल हो गए हैं पहली बात तो वो घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि अगर आप लोग फेल हो गए हैं तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपका ये आखिरी चांस है, आप फिर से फॉर्म सबमिट करेंगे, फिर टाइम आएगा और आप फिर से एग्जाम देंगे, दूसरी बार पास हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर फेल है तो फेल होने वाले इसमें ये बिल्कुल घबराहट में ना है कि हम फेल हो गए अब क्या करें क्या ना करें, अरे अब फिर एग्जाम दिया जाएगा, फिर फेल होंगे फिर एग्जाम दिया जाएगा, फिर फेल होंगे फिर एग्जाम दिया जाएगा, तो फेल होने वाले इसमें बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ क्या है, दिक्कत ये है कि पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है और आत्मबल थोड़ा जो है कमज़ोर हो जाता है। आत्मबल कमज़ोर इसलिए हो जाता है कि अगर पहले ही अटेम्प्ट में अगर क्रॉस कर गए तो उससे अच्छा क्या है। हाँ अगर कोई रीजन बस आप लोग अगर कहा दिक्कत में आ गए हैं नहीं पास हो पाए हैं तो उसमें टेंशन ना लें इतना ज़्यादा कि हम फेल हो गए हैं। ये कार्य ही ऐसा है कि जब कोई युद्ध होता है या कोई जंग होती है या कोई पहलवानी करने के लिए जाता है, कहीं भी जाता है तो उसमें हार जीत होती रहती है, तो ये भी एक वैसा ही सिस्टम है। दोस्तों अगर कोई किसी रीजन आ गया किसी प्रकार का आप फेल हो गए हैं तो हम फिर से फॉर्म भरिएगा, टेंशन मत ले बिल्कुल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।